जी मेरी स्क्रीन शेयर होगी आपको? जी बिल्कुल शेयर होगी है। जी मैंने आज डिस्कस करना था कोकोमो मॉडल, जिसको हम कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल कहते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका आइडिया देख लेते हैं कि इसको क्यों हम इस्तेमाल करते हैं और किधर इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, उसका बेसिक ड्यूटी होती है कि प्रोजेक्ट को मैनेज करे। और अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेज करना है तो उसे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसमें टाइम कितना लगेगा, इसमें कॉस्ट इसमें कितने बंदे मेरे यूटिलाइज हो सकते हैं, और किस टाइम में कितने बंदे जो है ना वो यूटिलाइज मैं कर सकता हूँ। और ये सारी चीज़ें जानने के लिए उसे कोकोमो मॉडल का पता होना चाहिए। कोकोमो मॉडल एक तरीका है जिससे वो ये चीज़ें जान सकता है। तो ये दरअसल यूज़ जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही करता है। कोकोमो मॉडल के दो पार्ट्स हैं। अभी जो न्यू चल रहा है वो तो कोकोमो मॉडल 2 है, मगर हम बेस इसकी देखेंगे थी इसके कोकोमो मॉडल। जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बोहम ने इंट्रोड्यूस किया था इसे 1981 में। तो ये कॉस्ट डेटाबेस के ऊपर बेस कर रहा था 60 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की। तो ये एक मॉडल है जो एस्टिमेट करता है एफर्ट कितनी लगेगी और पर्सन मत कितने पर्सन पर मंथ हमारे यूज़ हो सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, जैसा कि आपने ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दो तरीके होते हैं। एक वो चीज़ होती है जब आप क्लाइंट से डील कर रहे होते हैं और क्लाइंट आपसे पूछता है कि आप कितने पैसे लेंगे, कितनी कॉस्ट इसकी आएगी, ये चीज़ और है। ये चीज़ जो कोकोमो मॉडल है ये हम बाद में इस्तेमाल करते हैं जब हमें प्रोजेक्ट मिल जाता है। ठीक है, जब प्रोजेक्ट मैनेजर के पास प्रोजेक्ट आ जाता है, अब उसने उस प्रोजेक्ट को डिवाइड करना होता है और उसने ये देखना होता है कि कितने बंदे मेरे पास अवेलेबल हैं और कितना टाइम मेरे पास अवेलेबल है, उस हिसाब से उसने वो सारी चीज़ें सेट करनी होती हैं। तो इसमें हम देखें जिस तरह ये लिखा हुआ है, दिस मॉडल एस्टिमेट्स द टोटल एफर्ट इन टर्म्स ऑफ पर्सन मंथ, मतलब के कितने बंदे पर मंथ मेरे इस प्रोजेक्ट में यूज़ होंगे। कोकोमो मॉडल, कोकोमो इज द हायरार्की ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ एक मॉडल है कॉस्ट का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह हमने वो कॉस्ट का सब्जेक्ट जैसे हम पढ़ रहे हैं, फंक्शन एनालिसिस हमने देखा था, उसी उसी की ये कड़ी आप आगे देख लें। जैसा कि आज सर ने हमें पढ़ाना था मगर वो क्लास नहीं हो सकी, 4 बजे क्लास है, उसमें हमें ये एक स्टूडेंट ने प्रेजेंट करना है, तो हमें उस टाइम उस उधर भी समझ आ जाएगी। इसमें तीन फॉर्म इसकी होती हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट और डिटेल्ड। ठीक है, ये कोकोमो मॉडल की फॉर्म है। ठीक है, आगे जब हमने एस्टिमेट करना होता है तो हम देखते हैं कि कौन सा मॉडल हम मतलब कि प्रोजेक्ट के लिहाज से कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा। बेसिक वो होता है जब आपके पास छोटा प्रोजेक्ट हो, इंटरमीडिएट का मतलब है कि मिक्स प्रोजेक्ट है, बड़ा भी नहीं कह सकते छोटा भी नहीं कह सकते, तो उसमें फिर आप इंटरमीडिएट यूज़ कर लेते हैं। अगर आपको बेस्ट एक्यूरेसी की चाहिए, बेस्ट एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा आप कॉस्ट फैक्टर्स इंक्रीज करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका जो है ना वो बढ़ता जाएगा, आप उतने ही ज़्यादा आपको चाहिए ये कोकोमो मॉडल। और डिटेल्ड सब मॉडल का आप ये कह लें जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए वो इस्तेमाल होता है। हम आगे चलते हैं। जिस तरह के ये तीन क्लासेस में डिवाइड किए हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना। तीन इसके ये प्रोजेक्ट डिवाइड, अब हमने देखना है कि हमारा जो हम प्रोजेक्ट जो हमें आया है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास आया, वो किस किस्म का है। जिस किस्म का प्रोजेक्ट होगा हम उसी हिसाब से कोकोमो मॉडल के अंदर हम उसको करेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक मोड है जो सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है, क्योंकि स्मॉल प्रोजेक्ट्स ही ज़्यादा आते हैं लोगों के पास, और सिंपल जिसमें टीमें स्मॉल होती हैं। पाकिस्तान में आप कह सकते हो कि ज़्यादा यही इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर टीम्स भी स्मॉल होती हैं हर सॉफ्टवेयर उसकी, और प्रोजेक्ट्स भी उस लिहाज से। आर हैंडल सच अ टीम शुड हैव गुड एप्लीकेशन एक्सपीरियंस टू लेस रिजिड रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि इसकी रिक्वायरमेंट आप ऐसी समझ लें जो चेंज हो सकती हैं, मतलब कि ऐसी नहीं है कि फुल फंक्शनली रिक्वायरमेंट दे दी और वो चेंज ना हो सकती हो। इसमें आप सिंपल प्रोजेक्ट्स में आप ये कह सकते हैं कस्टमर आपकी रिक्वायरमेंट चेंज भी कर सकता है। ये स्मॉल और रिक्वायर लिटल इनोवेशन इसमें चाहिए होती है। अब हम सेमी डिटैच मोड में आप कह लें कि ऑर्गेनिक, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पीछे इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल का फार्मूला भी जिस तरह वो डिफरेंट ही हो, आगे एग्जांपल में देखेंगे। उसमें सेमी डिटैच मोड में क्या होता है कि आपका साइज भी मीडियम, प्रोजेक्ट का साइज भी मीडियम होता है और टीम का साइज भी मीडियम होता है।
ठीक है, इसमें आप ये कह लें कि ऑर्गेनिक का मिक्सचर, ऑर्गेनिक और सेमी डिटैच्ड जो है ना इसमें आ जाता है। अब एम्बेडेड मोड में आ जाते हैं, अब बड़े प्रोजेक्ट्स कह लें, ठीक है, प्रोजेक्ट्स का जितना एयर ट्रिपल स्टार ज्यादा, वो मतलब कि उसके ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स भी ज्यादा होंगे, हार्डवेयर भी बहुत ज्यादा चाहिए होगा, तो ये आप एम्बेडेड मोड में आप कह सकते हैं। तो ये तीन मोड हैं, अब हम देखेंगे कि इसमें कैसे, तो ये आप समझ लें कि इसमें ऑर्गेनिक में कह रहा है कि 2 to 50 किलो लाइंस ऑफ कोड। किलो लाइंस ऑफ कोड का मतलब है 1 किलो लाइंस ऑफ कोड 1000 लाइंस ऑफ कोड आप शुमार करेंगे, किलो का मतलब है अगर 2 है तो वो 2000 लाइंस ऑफ कोड है। इसी तरह अगर 2 to 50 के दरमियान वो होंगी तो वो हम ऑर्गेनिक में ही शुमार करेंगे उसे। और जिस तरह अभी नेचर ऑफ प्रोजेक्ट में ऑलरेडी आपको वो के स्मॉल साइज का प्रोजेक्ट का, और एक्सपीरियंस डेवलपर हमारे पास होंगे, बजाय इसके कि ज़्यादा डेवलपर हम रखें और काम हमारा ना हो, तो इसलिए जो है ना वो एक्सपीरियंस डेवलपर रखें और प्राइस जो प्रोजेक्ट का साइज है वो स्मॉल होगा। इसमें इन्वेस्टेशन जो है वो लिटल है, डेडलाइन इसकी टाइट नहीं होगी, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं डेडलाइन को। फैमिलियर एंड इन हाउस जो है ना डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट हो सकता है इसका। अब सेमी डिटैच की तरफ आ जाते हैं, 50 to 300 जो है ना किलो लाइंस ऑफ कोड इसमें होती हैं टिपिकली। ये तो आप जब वो निकालेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा कि किस मोड में मेरा जो है वो प्रोजेक्ट लाई कर रहा है। मीडियम साइज प्रोजेक्ट है, एवरेज प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट्स, मीडियम इसकी इनोवेशन है, डेडलाइन भी इसकी मीडियम और डेवलपमेंट भी इसकी मीडियम। अब एम्बेडेड का मैं आपको बता दूं कि ये जो लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी कि वो जो हाई लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कह लें या मुल्की लेवल पे कह लें जो डिप्लाई होने होते हैं, वो एम्बेडेड में आप शुमार कर लें। 300 किलो लाइंस ऑफ कोड इसमें प्लस ही होंगी, इसमें कम नहीं होंगी। लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं, कम्प्लेक्स इंटरफेसिस हैं, वेरी लिटल प्रीवियस एक्सपीरियंस। अब इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह HEC ने लॉन्च किया था एक हेल्प पोर्टल, हायर एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो उसका उसका ये मकसद था कि पाकिस्तान की जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें वो डिप्लाई किया जाए। ठीक है, मतलब कि हर यूनिवर्सिटी का LMS ख़त्म करके एक ही LMS हो जो पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो है ना उसको इम्प्लीमेंट, फिलहाल स्टार्टिंग में उन्होंने 5 यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट किया था, तो अब उम्मीद है कि वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर ही भी इम्प्लीमेंट करेंगे। जिस तरह ये अगर आप देखें यूनिवर्सिटीज में अभी कभी एक ही सिस्टम है, स्वीडन का, इंग्लैंड का, एक ही उनका सेटअप है, एक ही LMS है जिसके ऊपर वो चलते हैं। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एम्बेडेड में आएंगे। अब हम आगे चल एग्जांपल की तरफ, सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक मॉडल को। अब बेसिक मॉडल एफर्ट में आपने ये आपको टेबल प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसमें बेटा आप लोगों को आवाज़ आ रही है, सिर्फ मुझे ही आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं सर, उनका रुक जाती है बार बार ना, वॉइस नहीं आ रही जाती। हमें भी आवाज़ नहीं आ रही। अहमद बेटा आवाज़ नहीं आ रही है। जाते हैं ऑलरेडी ऑर्गेनिक मोड होता है, सेमी डिटैच मोड होता है और एम्बेडेड मोड होता है। अब ये जो वैल्यूज आगे लिखी हुई हैं जिनको हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं, ये किधर से आती हैं? ठीक है, ये वैल्यू आप यही समझ लें जब आपके प्रोजेक्ट का इंटरफेस हो गया, रिग्रेशन बेस है इस तरह, ये भी रिग्रेशन बेस का मतलब ये बेटा है। अदील आपकी स्लाइड्स भी बेटा आवाज हैंग, मेरी रुक रही है? आवाज तो रुक रही है लेकिन स्लाइड्स भी हैंग हो गई आपकी।
आपकी अभी कंपैरिजन ऑफ थ्री कोको मोड्स जो ना वही स्लाइड नजर आ रही है सर, वो ना नेट का थोड़ा इशू है, मैं वो हाँ यार नेट का सारे पाकिस्तान में इशू है, मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, नेट का इशू है और मैंने यहाँ से मोबाइल से कनेक्ट कर लिए, सारे पाकिस्तान में मैं स्टीम और नेट का इशू तो है ही है। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बेटा आवाज आ रही है आपकी, डील डॉक्यूमेंट शेयर कर दो। जी सर अब मैंने वो नेट दूसरा ऑन कर लिया, अब ठीक हो जाएगा। ये कंपैरिजन वाली स्लाइड आपको नजर आ गई है? हाँ जी बेटा ये वाली नजर आ रही है। ओके जिस तरह मैं ये दोबारा बता देता हूँ कि जिस तरह ये नहीं है बेटा आगे चलो इससे, ये सबको पता है। ठीक है ओके सर, जिस तरह मैं ये बता रहा था कि बेसिक जो कोकोमो मॉडल है उसमें हमने सबसे पहले एफर्ट निकालनी होती है। एफर्ट किस तरह निकालेंगे? सबसे पहले जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो है किलो लाइंस ऑफ कोड। किलो लाइंस ऑफ कोड आप कैसे निकालेंगे अपने प्रोजेक्ट की? जब जिससे आपने ये कहना है कि एस्टिमेट ही आपने लगाना है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो किस नेचर पे है, वो सिंपल है इंटरमीडिएट है या जिस तरह, उसकी किलो लाइंस ऑफ कोड आप निकाल के आपने इस एफर्ट के फार्मूला में पुट करनी है, तो वो आपको पर्सन मंथ्स जो है ना वो निकाल के वो दे देगा। उसके बाद आपने डिप्लॉयमेंट टाइम निकालना है, तो वो आपने जो एफर्ट की वैल्यू जो निकाली है वो उसमें आपने पुट करनी है। तो ये जो नीचे आप टेबल देख रहे हैं ये सारे कोएफिशिएंट्स आपको ये दे दी ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। ये आपके कॉस्ट ड्राइवर्स जो कोकोमो मॉडल के हैं उससे आपने ये निकालने हैं, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी जिस तरह मैंने बताया कि ऑर्गेनिक मोड में कौन सा प्रोजेक्ट है, सेमी डिटैच्ड में कौन सा प्रोजेक्ट है और एम्बेडेड में कौन सा प्रोजेक्ट है। ऑर्गेनिक में सिंपल था, अगर आपका प्रोजेक्ट सिंपल है तो आपने ऑर्गेनिक को सिलेक्ट करना है। अगर आपका प्रोजेक्ट सेमी डिटैच्ड है मतलब कि उसकी लाइंस ऑफ कोड एक खास में डिप्लाई कर रही है, तो फिर आपने सेमी डिटैच मोड सेलेक्ट करना है। जो भी मोड आप सेलेक्ट करेंगे उसकी वो वैल्यूज़ आपने इस फार्मूले में पुट करनी है, तो वो आपको ये सारी चीज़ें निकाल के दे देगा। उसके बाद आपने स्टाफ साइज भी आपको मिल जाएगा, प्रोडक्टिविटी भी और डेवलपमेंट टाइम भी, ये इन फार्मूला आपके अंदर वैल्यू पुट करने के बाद आपको ये सारा मिल जाएगा। अब मैं आपको एक निकाल के देता हूँ, ये आपको जी ये आपको नजर आ रहा होगा कोकोमो कैलकुलेटर। जी नजर आ रहा है जी सर, ये ये कोकोमो कैलकुलेटर एक बना हुआ है, उसमें आपने सिर्फ किलो लाइंस ऑफ कोड डालनी है तो आपको वो सारा जो है ना वो निकाल के दे देगा। दरअसल ये है बेसिक, बिल्कुल जो हमने जिस तरह वो पढ़ा था कि एक बेसिक है, एक इंटरमीडिएट है और एक हाई लेवल है, कोकोमो मॉडल की भी किस्में हैं। अब इसमें आपका अगर प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक वाली वैल्यूज़ आपने इधर सेलेक्ट कर लेनी है। ये देखें फॉर एग्जांपल मैं इधर 10 लिखता हूँ कि मेरी 10,000 लाइंस ऑफ कोड थी। किलो लाइंस ऑफ कोड का मतलब है कि अगर मैं 10 इधर लिखता हूँ तो उसका मतलब है 10,000। तो ये जैसे मैं कैलकुलेट के बटन को क्लिक करूँगा तो ये सारी मुझे ये मेरे चार कोएफिशिएंट्स और ये ऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक के हिसाब से ये वाली ये इतनी एफर्ट बनती है, इतनी ड्यूरेशन है और इतने स्टाफ मुझे चाहिए। और सेमी डिटैच अगर मेरा प्रोजेक्ट है तो उसके ये वैल्यूज उसने ऑटोमेटिकली निकाल के दे दिया। अब इसमें हमने ये चीज़ समझनी है कि जो वेरिएबल्स आप ये देख रहे हैं, वेरिएबल ए बी सी डी, ये चीज़ें क्या हैं?
अदील आपकी आवाज़ फिर बेटा चली गई है। अदील आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी बेटा, अब आवाज़ आ रही है। जी सर। अब ये इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो टेबल आपको दिया गया था, आपने वैल्यू भी निकाला, तो जब आपने प्रोजेक्ट की टाइप बता दिया तो वो टाइप की वैल्यू भी आपको वो ऑलरेडी बता देगा जो आपने इन फार्मूलाज के अंदर पुट करनी है, और वो आपको सारी वैल्यूज दे देगा। अब दरअसल ये वैल्यूज होती किसकी हैं, ये बताया हुआ है। बेसिक मॉडल इज एक्सटेंडेड टू कंसीडर अ सेट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स की वैल्यू होती हैं। फॉर सबसे पहले प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स आपने देखने हैं, उसमें प्रोडक्ट में क्या जाता है कि उसकी सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी कितनी है, कितनी सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी उसको चाहिए, उसकी ऑप्शंस जो डेटाबेस एप्लीकेशन का उसका साइज कितना है, और जो प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है। ये जब आप रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आपके सामने वो आ जाएंगी जब आपने ये चीज़ें निकालनी है। तो उसके बाद ये हार्डवेयर के एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बाद रन टाइम स्टेट्स है, मतलब कि इसकी जो फॉर एग्जांपल आपको को फिर से वार्ड को मंजर में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए विजुअल मशीन वार्ड है। उसके बाद आपने ये पर्सनल एट्रीब्यूट्स उसके देखने हैं, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स एट्रीब्यूट्स हैं। ये टोटल जो है ना वो 15 एट्रीब्यूट्स हैं जो 6 पॉइंट स्केल में रेंज करते हैं। दरअसल ये जब हमने वो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस पढ़ा था तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि सर ने प्रॉपर हमें एक वो टेबल दिया था जिसको हमने उसके वो देखना होता था कि इंटरफेस के इनपुट्स कितनी है, आउटपुट्स कितनी है, सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं, उधर से भी मिल सकती हैं, और आप खुद भी इस तरह ये इसके कॉस्ट के ड्राइवर सारे निकाल, जितने ज़्यादा कॉस्ट ड्राइवर्स होंगे उतने ज़्यादा इसकी जो है ना वो बढ़ती जाएगी इसकी रिलायबिलिटी जो ये प्रिडिक्ट करेगा। अब हम चलते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ। अब ये टेबल आपका नाम क्या लिखा है आप सेक्शन के देगा। अब इसके आगे एक एग्जांपल इसने दी है। अब एग्जांपल में अब ये एग्जांपल आप देखें। अब इस एग्जांपल में क्या था कि जो किलो लाइंस ऑफ कोड थी वो हमारे पास 400 थी। वो कह रहा है कि सप्लाई अपरेक्ट वाज एस्टिमेटेड टू बी 400 किलो लाइंस ऑफ कोड, कैलकुलेट द एफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम। दो चीज़ें हमने निकालनी है, एक एफर्ट निकालनी है कि एफर्ट कितनी लगेगी, और एक डेवलपमेंट टाइम निकालना है कि इसको टाइम लगेगा फॉर ईच ऑफ मोड्स, भी सेमी डिटैच का भी और एम्बेडेड का भी। डेवलपमेंट टाइम मतलब कि ये वैसे तो सारी पीछे बता दी थी, आप निकाल सकते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी भी और डेवलप
अदील आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सारी चीज़ें, मगर हमें अभी इसमें सिर्फ एफर्ट और डेवलपमेंट चाहिए, तो उस आपको गिवन है, तो उसमें आपने जस्ट वो आउटपुट करनी है और आपको निकाल दिया 1295% का और नीचे ये इम्पैक्ट। इसी तरह ही आपने आगे आप ये कोकोमो मॉडल के बारे में सर्च करें ना, कि लेट मतलब कि न्यूरल नेटवर्क के ऊपर भी इसको उन्होंने किया हुआ है, फजी लॉजिक के ऊपर भी उन्होंने किया हुआ है, मतलब कि इसकी वो रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी जो है ना वो, और जो 4 बजे प्रेजेंट करना है वो भी मतलब के किसी का थीसिस का टॉपिक था जिसने कोकोमो मॉडल के ऊपर ही वो रिसर्च की है सारी, और वो हमें उसने बताना था। तो अब जिस तरह ये इसकी लिमिटेशन क्या थी बेसिक की, द एक्यूरेसी ऑफ दिस मॉडल इज लिमिटेड। लिमिटेड क्यों है, क्योंकि ये सर्टन फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट, मतलब कि ये फैक्टर्स जो कंसीडर किए जाते थे बेसिक में वो हम, अब अगर हम फैक्टर्स बढ़ा देंगे जो फैक्टर हमने पीछे देखे हैं, जितने ज़्यादा हम कॉस्ट फैक्टर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। दीज फैक्टर्स आर हार्डवेयर कंस्ट्रेंट्स, पर्सनल क्वालिटी एंड एक्सपीरियंसेस, और मॉडर्न टेक्निक्स एंड टूल्स। द एस्टिमेट्स ऑफ कोकोमो मॉडल आर विद इन अ फैक्टर ऑफ 1.3 ऑनली 29% ऑफ द टाइम, एंड विद इन द फैक्टर ऑफ 2 ऑनली 60% ऑफ टाइम। अब हम आगे चलते हैं इंटरमीडिएट मॉडल की तरफ। अब ये देखें इंटरमीडिएट मॉडल में क्या है, इन द इंटरमीडिएट मॉडल बोहम इंट्रोड्यूस एन एडिशनल सेट ऑफ 15 प्रेडिक्टर्स, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 15 प्रेडिक्टर्स थे जो कॉस्ट ड्राइवर थे वो उसने इसमें ऐड किए बेसिक में, तो बेसिक अब क्या बन गया, इंटरमीडिएट मॉडल, ठीक। अब हमने बजाय इसके वो सारी, अब हमने इनको भी देखना है, ठीक है, जो प्रोडक्ट में रिलायबिलिटी उसकी देखनी है, डेटाबेस का साइज देखना है, प्रोडक्ट की कम्प्लेक्सिटी देखनी है, इन सब को उसने ये आगे इन कॉस्ट ड्राइवर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हैं, पर्सनल एट्रीब्यूट्स और प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और आगे उसने इनके शॉर्ट वर्ड्स भी उसने दे दिए हैं, एक ऐप का मतलब है एनालिस्ट कैपेबिलिटी। अब ये देखें, अब उसने ये सारा कॉस्ट ड्राइवर्स की वैल्यूज भी उसने दे दिए। अब जिस तरह हमें पिछले बेसिक में उसने एक टेबल दिया हुआ था, अब उस टेबल की जगह ये चीज आ गई, अब हमने इसको भी देखना है जिस तरह फंक्शनल तो हमने फंक्शन पॉइंट एनालिसिस किया, तो उसमें जिस तरह हमने ये सारी चीजें देखी थी, अब हमने कोकोमो मॉडल में भी वो सारी चीजें देखनी है। उसने ऐसे डिवाइड किया उसने 4 कैटेगरीज के अंदर, द इंटरमीडिएट कोकोमो इक्वेशन टेक द फॉर्म। अब इसमें भी अब इसमें ये क्या, अब इसमें ई ए एफ एफर्ट की जो आपने निकालनी है वो चीज़ है। अब जिस तरह उसने डिप्लॉयमेंट टाइम है, स्टाफ साइज है, प्रोडक्टिविटी है, अब ये उसी तरह ही आपने वैल्यूज पुट करनी है, और आपको जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये निकाल के दे देगा। जिस तरह हम सीधा एग्जांपल की तरफ चलते हैं, अ न्यू प्रोजेक्ट विद एस्टिमेटेड 400 किलो लाइन्स ऑफ कोड एम्बेडेड सिस्टम। अब देखें, अब इसने क्या क्या कह दिया, ऑलरेडी कह दिया एम्बेडेड सिस्टम, तो आपने समझ जाना है कि ये जो इसका जो मोड है कोकोमो मॉडल का वो कम्प्लेक्स है, मतलब कि वो सॉफ्टवेयर का जो साइज़ है वो बड़ा है। जब मैंने आपको बताया 300 से अबव होंगे तो वो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर ही आएंगे। हैज़ टू बी डेवलप्ड, प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ अ चॉइस ऑफ हायरिंग फ्रॉम 2 पूल्स ऑफ डेवलपर्स, ठीक है। अब ये देखें, अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर ने ही डिसाइड करना होता है कि कौन से डिवेलपर मेरे प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो उसकी ये एस्टिमेट जो है ना वो कर रहा है। और सबसे पहले दो उसके पास टीम्स हैं विद हाई एप्लीकेशन एक्सपीरियंस, मतलब कि ऐसी टीम जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और जो दूसरी टीम है उसका लिटिल एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। बीइंग यूज्ड और डेवलपर्स आर वेरी लो एप्लीकेशन एक्सपीरियंस बट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद द प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द फायरिंग ऑल डेवलपर वन। और अब ये डेवलपर, अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर ने अब इसमें डिसीजन लेना है कि अब मेरे पास कौन सी टीम है, अब मैं कौन सी टीम सेलेक्ट करूंगा तो मेरा प्रोजेक्ट टाइम में मुकम्मल हो सकता है, अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस डिसीजन को लेने के लिए उसने कोकोमो मॉडल का इस्तेमाल किया वो एफर्ट निकालने के लिए, फिर जिस हिसाब से वो एफर्ट निकलेगी उस हिसाब से वो टीम को सिलेक्ट कर लेगा। अब इसमें
developers with high application experience and very little experience in the programming language being used. अगर वो पहले केस से वो आइटम सेलेक्ट करता है जिसका एक्सपीरियंस लिटल है मगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसकी वैल्यू ये सारी उसने निकाल के दी है. ई एफ की वैल्यू में वो आप फार्मूला वाली वैल्यूज पुट करेंगे, एफर्ट में आप वैल्यूज पुट करेंगे और डेवलपमेंट टाइम के, तो ये आपको वैल्यूज उसने निकाल के दी है. आप केस टू की तरफ चलते हैं, डेवलपर्स ऑफ वेरी लो एप्लीकेशन एक्सपीरियंस बट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब इसमें दो चीज़ें हैं, अब आप समझें इसको कि जब डेवलपर हायर किया जाता है तो सबसे ज़्यादा उसका तनख्वाह कब बढ़ती है, जब उसका एक्सपीरियंस एप्लीकेशन का ज़्यादा हो जाए. हो सकता है उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, ठीक है, मगर हमें ऐसे बंदों की ज़रूरत है जिन्होंने उस एप्लीकेशन पर काम ज़्यादा किया हुआ है. वो बंदे हमारे लिए कई प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा सूटेबल साबित हो सकते हैं, बजाय इसके कि हम वो बंदा सेलेक्ट करें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको ज़्यादा आती है. तो उसको समझाना भी ज़्यादा पड़ेगा, वो एप्लीकेशन का नॉलेज भी उसको ज़्यादा नहीं है. जिस तरह हमने सर ने भी एक पहले लेक्चर में बताया था कि वो हायरिंग उस बेस पे हुई थी कि उसको एप्लीकेशन का नॉलेज ज्यादा था, मतलब क्या एक्सपीरियंस एप्लीकेशन ज्यादा था. दो में आपने वैल्यूज पुट किया में वहां एफर्ट उसकी जो है ना वो ज्यादा है, ज्यादा लग रहा है. जो नीचे वाली मतलब अगर एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस लो रहा है तो वो ज्यादा हो गया, ठीक है. और ऊपर वाली एप्लीकेशन में आप देखें हाई एप्लीकेशन एक्सपीरियंस, अगर उनका एप्लीकेशन एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो टाइम कम मिल रहा है, डेवलपमेंट टाइम पर्सन मंथ्स भी कम निकल रहे हैं और एप्लीकेशन का. अब ये नीचे उसने इसका नॉट मैच विद वेरी हाई एप्लीकेशन वैलिड प्रोग्राम. इसमें अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो पूछ सकता है, उसको बता सकता हूँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी. हेलो, हाँ ठीक है, समझ आ गई. मेरी आवाज आ रही है आप? जी आपकी आवाज आ रही है. अगर इसमें किसी को कोई इशू है तो वो पूछ ले, मैं उसको दोबारा बता सकता. अगर नहीं पूछना तो हम आगे चलते हैं, एक ही टाइप रह गई है. चलें हम आगे डिटेल्ड कोकोमो मॉडल की तरफ चलते हैं. इसमें अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बोहम टू कैप्चर ऑल सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. अब ये देखें, अब इसमें इनके बाद अब आ जाता है डिटेल्ड कोकोमो मॉडल. जी जी जी, मैंने स्लाइड आगे की है, डिटेल्ड कोकोमो मॉडल की तरफ आ गया. वो स्लाइड्स ना इसमें आप बोलते हैं लेकिन स्लाइड्स आगे नहीं हुई आपकी अभी. हाँ ठीक है, आप स्टार्ट करें, हो गई आप. एक मिनट में दोबारा. अब हम डिटेल्ड कोकोमो मॉडल की तरफ चलते हैं, जिसमें अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय बोहम टू कैप्चर ऑल द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. इसमें अब जिस तरह जैसे वो बेसिक के बाद इंटरमीडिएट था, इंटरमीडिएट में जितने ज़्यादा कॉस्ट फैक्टर्स उतना ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा. अब डिटेल्ड कोकोमो मॉडल में उसने तीन अब मज़ीद उसकी डिवीज़न की है कोकोमो मॉडल की.
उसमें अब क्या चीजें हैं कि फेज सेंसिटिव एफर्ट मल्टीप्लायर्स और थ्री लेवल प्रोडक्ट हायरार्की। अब हम आगे उसको चलते हैं। फेज सेंसिटिव एफर्ट मल्टीप्लायर्स में क्या था, सम फेजेस आर मोर अफेक्टेड देन अदर बाय फैक्टर्स डिफाइंड बाय द कॉस्ट ड्राइवर्स। दिस हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द मैन पावर एलोकेशन फॉर ईच फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या कह रहा है कि अब हमने पावर जब एलोकेट करनी, अब पावर तो हमें निकाल के दे दी, बेसिक और इंटरमीडिएट में हमें ये पता लग गया कि कितनी निकलती है। जी जी कुछ नहीं, वो आपकी स्लाइड ना पहले शो नहीं हो रही थी, वो मैं पूछने लगी थी इसलिए। अब हो गई है, अब हो गई है। चलो अब इसमें देखें, बेसिक और इंटरमीडिएट में हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास कॉस्ट तो निकल आई थी, अब जो डिटेल्ड में अब हमने एलोकेट करने का भी प्रोसीजर उसने बताया कि अगर ये हमें हेल्प, फेज सेंसिटिव एफर्ट मल्टीप्लायर हमें हेल्प करेगा जो हमने आगे एलोकेट करनी है, मतलब कि प्रोजेक्ट के फेज में हम जब हमने मैन पावर एलोकेट करनी है कि ये पार्ट इस बंदे ने करना है, ये पार्ट इस बंदे ने करना है। अब इसमें मजीद अगर उसमें उन्होंने ये एडिशन की है, उसके बाद आ जाता है थ्री लेवल प्रोडक्ट हायरार्की। थ्री लेवल प्रोडक्ट हायरार्की में क्या है, द थ्री प्रोडक्ट लेवल्स आर डिफाइंड, दीज आर मॉड्यूल, सब सिस्टम एंड सिस्टम लेवल्स। ठीक है, अब हमने प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दिया मॉड्यूल्स के अंदर, अब प्रोजेक्ट के सब सिस्टम के अंदर और जो सिस्टम हमने डिवाइड किए उनके लेवल्स। ठीक है, मतलब कि जितनी ज़्यादा हम उसके उसको डिफाइन करते जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती जाएगी। जिस तरह कि उसने बताया भी है, द रेटिंग ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर्स आर डन एट अप्रोप्रिएट लेवल, दैट इज द लेवल एट विच इट मोस्ट सक्सेसफुल। अब इसकी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं आगे। अब जिस तरह इसने प्लान रिक्वायरमेंट कंफिगरेशन, अब ये देखें, अब उसने ये जो डिटेल्ड कोकोमो मॉडल था वो क्या है कि प्लान एंड रिक्वायरमेंट का आया, पीछे तो हमने चार कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया था उसके कॉस्ट ड्राइवर्स को। अब प्रोजेक्ट सबसे पहले उसकी प्लान और रिक्वायरमेंट को, फिर सिस्टम के डिजाइन को, फिर उसका डिटेल्ड डिजाइन है, फिर उसका मॉड्यूल कोड एंड टेस्ट है, फिर उसका इंटीग्रेशन एंड टेस्ट है। ये सारी वैल्यूज आपको इस टेबल में गिवन है। लाइफ साइकिल फेज वैल्यू, ये इसको तानी अब क्या कहते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब डिटेल्ड कोकोमो इक्वेशन टेक्स द फॉर्म, अब इसमें ये सारी वैल्यूज उस हिसाब से, ये जो पीछे टेबल है इस हिसाब से, अगर आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक वाली वैल्यू, अगर आपका प्रोजेक्ट सेमी डिटैच्ड है तो सेमी डिटैच्ड वाली, अगर एम्बेडेड है तो एम्बेडेड, ये किलो लाइंस ऑफ कोड पे डिपेंड कर रहा है आपका सारा। अब इसमें उसने बस डिफरेंट क्या है, पीछे हमने चार कैटेगरीज में डिवाइड किया था, अब इसने पांच कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मजीद इसको एलैबोरेट किया। इसी तरह ये फार्मूले की फार्मूलाज गिवन है, एफर्ट का है, डेवलपमेंट टाइम का है, फिर उसका ये ईपी का फार्मूला है, फिर डेवलपमेंट का फार्मूला है, फिर उसके बाद स्टाफ साइज, फिर उसके बाद प्रोडक्टिविटी। उसी तरह ही अब आपने, अब ये देखें जिस तरह के मैंने आपको बताया कि द साइज ऑफ फाइव, अब जिस ये देखें स्क्रीन एडिट, अब पहले हमने क्या किया कि हमने ओवरऑल ही किलो लाइन्स ऑफ कोड हमने कैलकुलेट करके दे दी, अब इसने बता दिया कि आपने स्क्रीन की लादा करनी है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर की लादा करनी है, अब जितनी उसकी इनपुट है और जितनी उसकी आउटपुट है उसकी जो लाइंस है वो लादा से कैलकुलेट करनी है, कर्जर मूवमेंट और स्क्रीन मूवमेंट की लादा से, मतलब कि ये आप, अब ये जो किलो लाइंस ऑफ कोड हमारे पास निकल रही है अब ये ज्यादा एक्यूरेट है, जितनी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा एक्यूरेट हमारे पास वो रिजल्ट आएगा। जिस तरह हमने वो पीछे पीछे जब मैंने आपको वो मशीन लर्निंग का मॉडल प्रॉपर डिप्लाई करके दिखाया था कास्ट वाले लेक्चर में, उसमें भी यही इशू आया था कि हमारा जो रिजल्ट था वो डिपेंड कर रहा था एक्यूरेसी के ऊपर। ठीक है, अब इसमें जो डिटेल्ड मॉडल है इसमें एक्यूरेसी इंप्रूव हुई है किलो लाइंस ऑफ कोड को कैलकुलेट करने की, मतलब कि अब उसने प्रोजेक्ट को साइज को फाइव मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है, सबसे पहले स्क्रीन है, फिर उसका कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर है, फिर उसका फाइल इनपुट एंड आउटपुट है, फिर कर्जर के मूवमेंट और फिर स्क्रीन के मूवमेंट, ये सारी चीज़ें अब उसने निकाल के एंड पे उसने अब बता दिया कि जो इसकी लाइंस ऑफ कोड हैं वो 12 किलो लाइंस ऑफ कोड हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ इसमें नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं, अब हमने उसकी वैल्यू जो है वो इसमें
पुट करनी है फार्मूलाज के ऊपर। अब उसने एज्यूम किया है कि द सिग्निफिकेंट कॉस्ट ड्राइवर्स हैं वो कौन से हैं, सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी वो हाई है तो उसकी वैल्यू ये रखनी है, अगर प्रोडक्ट कम्प्लेक्सिटी हाई है तो उसकी वैल्यू ये है, अगर वो एनालिस्ट कैपेबिलिटी हाई है तो उसकी वैल्यू ये, मतलब कि ये वैल्यूज इसके ऊपर आप डिपेंड कर रही हैं सारी। तो अब यही वैल्यू आपने उसमें कैलकुलेट करनी है तो ये आपको ईएएफ की वैल्यू निकाल के वो दे देगा। अब आपने वही द इनिशियल एफर्ट एस्टिमेट में वो किलो लाइंस ऑफ कोड हमारी ये पीछे कितनी निकली थी, 12 किलो लाइंस ऑफ कोड है, ईएएफ की वैल्यू हमारे पास निकल आई 1.1373। ठीक है, ये जिस तरह हमने कास्ट ड्राइवर, जितने ज़्यादा कास्ट ड्राइवर उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी इसकी बेहतर। ठीक है, अब हमने इसके अंदर पुट किया तो हमारे पास एफर्ट निकल आएगी जो हमारे पास कितनी निकली है, 49.449 ये पर्सन मंथ निकल आई, और जो नीचे हमारे पास डेवलपमेंट टाइम है वो हमारे पास निकल आया, अब 11 महीने इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगेंगे। अब ये आप, अब आप कह सकते हैं कि जो पिछले दो ये जो बेसिक और इंटरमीडिएट था उससे ये ज्यादा जो है वो रिलायबल है ये मेथड, जो डिटेल्ड कोकोमो मॉडल है, क्योंकि ये है भी अपडेट। ठीक है, और इसका तो इससे भी अपडेटेड मॉडल है। ठीक है, तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हाल अभी इतना ही इसको। जी किसी का कोई अगर क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। हेलो जी, जी अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं है फिलहाल तो। ओके चलें, ठीक है बेटा, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें इनसे। अच्छा थैंक यू बेटा, दिल सो नाइस ऑफ यू और यू लेक्चर, तुम्हें भी थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ होगा कि टीचर जो ना वो सुबह से शाम तक लेक्चर्स लेते हैं, बोलते रहते हैं, तो उनके रोज़े में क्या हालत होती है, तुम्हें भी थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ होगा आज। एनीवे थैंक यू जी, सो नाइस ऑफ यू, दिस वाज कोको मॉडल बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय बेरी बॉय। सर मैं रोज देता हूं लेक्चर। अच्छा पढ़ा रहे हो कहीं? जी सर यूओजी।